वेलकम टू अनबॉक्स फन बॉक्स। तो ये डब्बे को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की अनबॉक्सिंग कुछ खास होने वाली है। ये डब्बा मोको 12 बैग। तो एक साल से मैं एक ऐसे बैग की तलाश में था जो काफी यूजफुल हो, मेरे काम आ जाए और देखने में लाजवाब लग जाए। बहुत रिसर्च करने के बाद अलग अलग बैग सामने आए, मैंने ऑनलाइन देखा, अलग अलग वेबसाइट पे गया, तभी मैंने ये तस्वीर देखी कि जिसने मुझे और इंस्पायर कर दिया कि नहीं, यही बैग लिया जाए। फिर क्या था, मैंने तुरंत ऑर्डर कर लिया। इससे पहले मैंने कार्बोनाडो का बैग इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में काफी कुछ कंपेयर होने वाला है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप बैग लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए पहले से खोलते हैं, फिर बोलते हैं। इसके अंदर एक और पैकिंग है, यहाँ एक प्रीमियम की पैकिंग है। वाह, यार फर्स्ट लुक में देख के तो मज़ा आ गया। पहला था कि यार देखने में अच्छा लगे, पसंद है, लोग पूछें भाई ये कौन सा बैग है, कहाँ से लिया है। आइए इसके फीचर्स जान लेते हैं हम। सबसे पहले आइए इसको मेन कंपार्टमेंट खोल लेते हैं। तो पॉलीथीन बैग सेफ्टी के हिसाब से, ताकि ये दबे ना ज़्यादा। ना ज़्यादा हार्ड है, ना बिल्कुल कपड़ा ही है। इस पर लेदर फिनिश प्लास्टिक कोटिंग टाइप दे रखी है, रबरिश फॉर्म में ये दिख रहा है। तो मेन कंपार्टमेंट इसका बड़ा है, तो काफ़ी स्पेस है। मैं आपको आगे आके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाऊँगा, ये बड़ा सही है। इसमें आप चाबी लगा सकते हैं, चाबी रख सकते हैं, कार्ड होल्डर। सो ये दूसरा लैपटॉप कंपार्टमेंट, ये पूरा 180 डिग्री ओपन, 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री आराम से ओपन होता है। सो दिस इज़ द बिग कंपार्टमेंट फॉर लैपटॉप, बिग लैपटॉप 16 इंच। कंपार्टमेंट फॉर टैब एंड ऑल एंड फॉर डायरी, टू मोर स्ट्रॉन्ग कंपार्टमेंट, फिनिशिंग इज़ वेरी नाइस। तो आइए जल्दी से इसमें सामान अलग अलग तरह से रख के देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ये साइड पॉकेट से, और मैं बॉटल को साइड में रख दे रहा हूँ। और ये बहुत अच्छे से आ चुकी है, काफ़ी स्पेस भी है, यानी बड़ी बॉटल भी इसमें प्यार से आ सकती है। दूसरी पॉकेट में हम ये छाता, बारिश का टाइम है, ये रख देते हैं। ये भी देखिए इतना अच्छे से आ गया है, स्पेस बाकी है। और इसके बाद जो हमारा लैपटॉप का कंपार्टमेंट है, 16 इंच का है बेसिकली, ये रख के देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कमिंग वेरी नाइसली, और ये स्ट्रैप आपने यहाँ लगा दिया है। डायरी भी इस वाले स्ट्रैप में आ सकती है आराम से, ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जा रहा है, तो इस वाले में हम डायरी रख लेते हैं। यस, दिस इज़ कम्प्लीटली। नाउ इसको सिप, जो ये वाला कंपार्टमेंट है, यहाँ पर मैं चार्जर रख लेता हूँ लैपटॉप का, वॉलेट आगे नहीं पीछे रखेंगे। ये पेन होल्डर के इसमें मैंने लगा दिया है। ये जो की होल्डर है, आराम से इसे मैंने खींच लिया, मैंने इसमें लगा दिया एंड छोड़ दिया। कैमरा बैग इसमें रख सकता हूँ, गिम्बल, मोबाइल गिम्बल ऑस्मो का, ये यहाँ पे रख दिया है आराम से। इसके बाद भी अभी मैंने ऐसी रखा है, इसके बाद में एक जोड़ी कपड़ा आप आराम से रख सकते हो। ये जो पीछे का पॉकेट है, इसमें मैंने अपना वॉलेट डाल दिया है, और ये मैग्नेटिक ऑफ बंद हो गया है। ये बड़ा सॉफ्ट है, इसके पीछे कुशंस नरम है, सॉफ्ट है, आपके कंधों को बड़ा आराम देंगे। अब मैं इसे आपको हैंग करके दिखा देता हूँ। तो ये सी, वी कैन कैरी लाइक दिस, और इसे हैंग करके मैं दिखा देता हूँ। कंफर्ट फील हो रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक दिस शोल्डर्स पे, और फील काफ़ी अच्छा है। और नीचे भी काफ़ी खाली है, पूरा सामान नीचे तक नहीं है, मैंने उल्टा पुल्टा रखा है। बट इसमें एक जोड़ी कपड़े, इवन यू कैन कैजुअल शूज़ रैप करके
आप ले जा सकते हैं, ट्रैवल में ले जा सकते हैं। तो अब मैं कहानी बताता हूँ कि इससे पहले मेरे पास कौन सा बैग था और मैंने ये इस पर स्विच क्यों किया। तो ये था कार्बेनाडो का टैक बैग, शेल में था, 2018 एंड में ये लिया था और इसका ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इसमें इंसुलेटर पॉकेट है, खाना गर्म ठंडा रहता है, सब कुछ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बदला क्यों अगर इतना ही खूबसूरत या बढ़िया था, और इसमें डिफरेंस क्या क्या हैं। मुझे बैग पसंद है, इसके शेल अलग अलग कलर्स के भी आते हैं। तो इसमें ऊपर एक पॉकेट है, काफ़ी कंपार्टमेंट है, चार्जिंग पॉइंट है। इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं है आपका, ज़रूरत भी नहीं होती है, मैंने कभी ऐसे यूज़ किया भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी थी, कंपार्टमेंट अच्छे थे, चीज़ें सेफ़ रहती थी। हालांकि इसमें भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बट दिस इज़ मोर सेफ। इसमें क्या ऐसा नहीं है जो इसमें है? इसमें एक तो सी रेन कवर है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है। तो 100% सेफ्टी के लिए इसमें एक रेन कवर हो सकता था, जो इसका बजट है मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये 4 साल लगभग बहुत बढ़िया चला है और अभी भी अच्छी कंडीशन में है। ड्यूरिंग अ शो होटल के स्टाफ ने इसको ओवर स्टफ कर दिया था, जिसकी वजह से ये जिप इसकी टूट गई। और ये वाटरप्रूफ जिप थी, कवर्ड था, तो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि ये जिप लगना है। इसकी जिप ऐसी है कि यू कैन चेंज। दूसरा डिफरेंस ये है कि दिस इज लाइटर देन दिस, बिकॉज ऑब्वियसली हार्ड शेल है, तो इसका लगभग 1 किलो का वेट अपना ही हो जाता है। बाकी इसमें कंपार्टमेंट अच्छा है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था लेता हूँ, लेकिन GT3 में काफ़ी कार्बेनाडो ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। एक तो ये GT2 में यहाँ पे वेलवेट स्टफ था, वो हटा दिया है। ये जो साइड पॉकेट्स हैं हटा दिया है कार्बेनाडो ने, इसलिए मैंने इस पर स्विच किया है, यही है। तो कितने का किस हिसाब से पड़ा है, तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है लगभग 5,500 रुपये का, 5,900 का। मैंने डायरेक्टली मोकोबारा की वेबसाइट से इसे मंगाया है और उसमें 500 रुपये का डिस्काउंट पड़ा है, तो मुझे ये पड़ा है 5,400 का। लेकिन जब मैं पे कर रहा था तो उसमें ऑप्शन था विदाउट एनी इंटरेस्ट यू कैन मेक इट 3 इंस्टॉलमेंट, तो मैंने 1,800 कुछ रुपये इस महीने दिए हैं, 1,800 कुछ नेक्स्ट में दूंगा, 1,800 कुछ नेक्स्ट में दूंगा। तो लगभग 5,500 रुपए का ये बैग मुझे दिखा है। अब देखना ये होगा ये कितना लंबा समय चलता है। एक रेन कोट इसमें दिया जा सकता था, बिल्कुल दिया जा सकता था, क्योंकि इसकी जो जिप है दिस इज नॉट एट ऑल वाटर प्रूफ। बाकी यही है, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा और आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब।